कर गई अच्छा चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैं भी। मैं पहले आपको एक एग्जांपल समझा दूँ, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्या ख्याल है? ओके यानी जिन जिन लोगों को, और काफी लोगों को और भी मसला मसाइल होंगे सबको ना, तो मैं आप लोगों को सबको बता देता हूँ, ठीक है? अच्छा आप इसे एक स्किप हो गया, रिजवान हुआ, ठीक है। अच्छा देखो मैं यहाँ पे ना एक बॉक्स बना रहा हूँ, अपने ना माइक अपने ऑन कर लें बेशक सब। अच्छा देखो मैंने एक बॉक्स बनाया, ये वाला, ठीक है? मैंने ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस किया और मैंने बड़ा कर लिया, ठीक है, अपना बॉक्स स्क्रीन। मेरी बात की समझ आ रही है? जी हेलो। सर। अच्छा यार एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कल की क्लास क्या क्या करना है? कल क्लास लेनी है या वैसे मैं तो बिजी हूँ, समझ आई? कल ऑफ ना कर लें, यही क्लास जी आगे सर। चलेगी, ठीक ईद के बाद हम कर लेंगे दोबारा रिकवर ना इसको, क्योंकि है सर। कल जो है ना थोड़ी सी मसरूफियत है, मैं इस वजह से कह रहा हूँ। परसों ईद है इंशाल्लाह, तो परसों ईद है ना? हाँ सैटरडे को ईद है। अच्छा देखो मैं, मेरे पास ये बॉक्स है, मैं F4 प्रेस करता सर हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर दें। रिकॉर्डिंग ऑन ही है, पता रिकॉर्डिंग नहीं ऑन हो है। है सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा देखो मैं यहाँ पे ना F4 प्रेस करता हूँ तो मुझे एज नजर आना शुरू हो गए। F4 प्रेस करोगे तो एज खत्म, ठीक है, हैं सही लेकिन हाइड हो गए ना। F4 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 और F3 से क्या होता है, मुझे कोई बताया आप में से? से वो वायर सेम होना जाता है। हाँ वायर फ्रेम शुरू हो जाता है, बिल्कुल सही। ये देखो मैं F3 प्रेस करूंगा तो वायर फ्रेम आ जाता है, ठीक है, F3 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 और F3, ठीक है। अच्छा इसके बाद मैं यहाँ पे F4 करके मैं विजिबल कर लेता हूँ, और मैं इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ, मुझे ना थोड़ी सी रेड कलर से उलझन होती है, मैं यहाँ से इसको ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है। चलो ये आ गया, मैं इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट किस में करूँगा, पोली में। पोली में कन्वर्ट किया, मैंने आप लोगों को कहा था कि आपके पास ना ये चीज़ें होती हैं, चार पांच चीज़ें होती हैं, वर्टेक्स होता है, एज होता है, बॉर्डर होता है, पॉलीगॉन होता है और एलिमेंट होता है, ठीक है? पॉलीगॉन ये होता है और एज ये होता है। आप चाहते हैं कि मैंने इसको सारे को सिलेक्ट करना है, ठीक है? मुझसे कौन क्वेश्चन कर रहा था पिछली ये व्हाट्सएप पे कि मैं एज डालती हूँ और मो साइड पे नहीं आता? सारा आप थी या कोमल आप थी? नहीं, मैंने आपसे वो डायरेक्ट पूछ लिया था जो मुझे सर प्रॉब्लम दे रहा था। मैंने पूछा था। ओके 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 अब देखो कोमल मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इसमें डालना ना, इस रुख में डालना है, इस एंगल में डालना है। तो आपने एक को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट आर, ऑल्ट आर प्रेस किया तो ये सिर्फ ये वाले सिलेक्ट हो गए। आपस में इनको आपने कनेक्ट करना है, क्या करना है? कनेक्ट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं डबल कर लेता हूँ। ओके तो मैं इसको जैसे ही कनेक्ट करता हूँ ना, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, दोनों नहीं जितने सिलेक्ट हुए आपके, अगर ये दो खाली आपने सेलेक्ट किए हैं तो ये दो हो जाएंगे, अगर ये भी साथ सेलेक्ट हुए तो ये भी हो जाएगा, ठीक है ना? तो आपने एक को प्रेस करके ऑल्ट आर प्रेस करना है, रिंग, ठीक है, ये सारे इस एंगल में जितने भी आएंगे सारे को सेलेक्ट कर लेगा ये। तो मैंने कनेक्ट किया है यहाँ से, या ये वाला कर लें या कंट्रोल शिफ्ट ई, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और ई। अच्छा कंट्रोल शिफ्ट ई भी आपने प्रेस किया, लेकिन जब तक आपके पास ये बटन ऑन नहीं होगा, ये बटन है शॉर्ट की बटन, ठीक है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ये लिखा हुआ है ऊपर, कीबोर्ड शॉर्टकट ओवरराइट टॉगल। ओके कंट्रोल शिफ्ट ई किया तो कंट्रोल शिफ्ट ई करने से डल जाएगा, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ डलेगा, ठीक है, सेंटर में डालेगा फिलहाल। कंट्रोल शिफ्ट ई किया, सेंटर में डाल दिया। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक साइड पे डालता हूँ, तो मैं इसकी सेटिंग में जाऊँगा, ठीक है, कनेक्ट की सेटिंग में, ये कनेक्ट और ये सेटिंग, ठीक है, सेटिंग में गया, ये आ गया।
इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, इस वैल्यू को मैं कितने डालने हैं, 2, 3, 4, 5 जितने भी आपने करने हैं इसमें। तो इसको मैं अगर 2 मैंने डाल दी, दोनों का फासला वो आपस में कंट्रोल करेगा ये, ठीक है। स्पेस इसको 0 करो और ये एक साइड पे जाएगा। मैं इसको रख ये वाला, ये मैं यहाँ पे डालता हूँ। ओके, बस इसको जब तक ओके नहीं करेंगे नहीं होगा, इसको ओके करेंगे, ये हो गया। इसके बाद आपने इसको एक को सेलेक्ट करना है, ऑल्ट आर प्रेस करना है। फिर अब मैं कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करूंगा ना, जितना इसका मैंने गैप दिया हुआ है इतना ही आएगा। कंट्रोल शिफ्ट ई, ये देखो कहाँ डल गया, वो नीचे डल गया। इसको आप ऊपर लेके आओ ऐसे, अगर आपका सी ये नहीं आ रहा किसी को, ये मैं आपको ये बता रहा था, ये इस तरह हुआ होगा आपके पास, ठीक है। ये देखिए छोटा सा आ रहा है, एक्स वाई जी लिखा हुआ। आपने बैक स्पेस के साथ ना प्लस का, प्लस की होती है, इसको आपने प्रेस करना है, बड़ा कर लेना इसको, अच्छा। इसके बाद आपने इसको तो मैंने किया था फिर भी नहीं नहीं, आप प्लस का निशान कौन सी की वाली प्रेस कर रही थी आप? था। तो प्लस जो इधर कीबोर्ड पे प्लस का साइन बनाता है, नहीं नम लॉक वाले से अमेरिकन्स में। नहीं नहीं नम लॉक वाला नहीं करना आपने, आपने बैक स्पेस के साथ का मैंने बताया, जो ऊपर 1, 2, 3 नहीं लिखा होता ओके एक लाइन, वो आपने करना है, जी ठीक जी जी ठीक है सर। है। उससे होगा ये, उससे नहीं होगा, उससे देखो कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। हो गया, अब आपके पास है लैपटॉप है तो अच्छा। देखो मैं इसको अप एंड डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, अप एंड डाउन, अच्छा यहाँ तक तो समझ आ गई। और तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, बस मैंने इतनी एग्जांपल समझा ली थी जो आप लोगों का जो क्वेश्चन था। सर मुझे ना एक चीज़ रुके मैं आपको ना शेयर करती हूँ, आप प्लीज़ एक बार देखें। मुझे ना यहाँ पे समझ नहीं आ रही, मुझे इसके विंग पे ना लाइक ये हेली पे एंड पे बिल्कुल जहाँ उसकी पीछे टेल होती है ना, टेल के ऊपर एक्सट्रूड करते हैं ना, मैंने आपको शेयर किया है ये, मैंने उसको मार्क भी किया है एरिया को, मुझे वहाँ पे रिंग नहीं हो रही थी, रिंग करके एक्सट्रूड करना था, वो वहीं तक बस मेरा रहा। एक सेकंड में देख लूँ आपका ना, व्हाट्सएप में देख लेता हूँ। अच्छा ठीक है, एंड पे आपका नहीं बना, आप ये कहना चाह रही हैं? जी ओके मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पे फाइल ओपन करता हूँ और मैं जाता हूँ ई के अंदर। ई में मेरे पास हो गया 3D ग्लास हेलीकॉप्टर, मैंने सेव किया हुआ था, मैं ओपन कर लेता इसको, ठीक है, ये आ गया मेरे पास, यही था ना। जी अच्छा इसमें मैंने इसको पहले ऑफ किया, ये था मेरे पास, ठीक है, और ये मैंने गुलाई को रोकने के लिए ये मैंने ऊपर किया था इस तरह से। ओके अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आपने यहाँ पे रिंग करना है यहाँ पे। ये चीज़ ओके क्योंकि यहाँ रिंग इस आता तो एक्सट्रूड होता ना स्पेसिफिक एरिया। नहीं, आपको मैं पहले क्लियर कर दूं, ये मैंने इसका बैकअप एक लिया हुआ था, ठीक है। मैं बैकअप को ऑन करता हूँ, इसको मैं हाइड करता हूँ, राइट क्लिक किया, अनहाइड ऑल, ये आ गया, ठीक है। इसको मैं करता हूँ हाइड, हाइड सिलेक्शन, ये आ गया। अब देखो ये है मेरे पास, मैंने इसको ये करना है कि पहले सबसे आप ये करेंगे, इसको आप डिलीट कर दो, ठीक है, यानी कि आपको समझाने के लिए मैंने एक को क्लिक किया, ऑल्ट आर प्रेस किया, आ गया और कनेक्ट किया, तो ये रिंग आ गया मेरे पास, ये देखो ये रिंग आ गया, ठीक है। अगर मैं पीछे जा रहा हूँ तो हाँ इसकी वो भी मैश कम हो रही है ना, ये नीचे की तरफ जा रही है, मैं चाहता हूँ नहीं ये इसको फॉलो करता जाए, तो फॉलो को ऑन करते हुए आपने इसको ये है कंस्ट्रेन, आप कंस्ट्रेन में जाएंगे, यहाँ पे आएगा एच, एच को क्लिक करो और एच के अकॉर्डिंग ये जाएगा, ये देखिए अब ये एच के साथ साथ जा रहा है, साथ साथ आ रहा है, ये आपने किया है, ठीक है। ये मैंने बैकअप रखा हुआ था इसलिए, बस अब हाँ ओके अच्छा, आपने इस एच को डिलीट करना हो तो क्या करेंगे हम, कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है, कंट्रोल और बैक जी स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। अगर वैसे आप डिलीट करेंगी तो क्या होगा,
उसने उसके जुड़े हुए जितने भी उसके साथ थे फेस वो सारे को डिलीट कर दिया उसने। तो खाली बैकस्पेस करेंगे तो वर्टेक्स रहेंगे, वर्टेक्स रहते हुए देखिए वर्टेक्स यहाँ पे दो हैं, नजर आया, ये भी वर्टेक्स है ये भी वर्टेक्स है, ये और ये। तो इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपने बैकस्पेस के साथ डिलीट करना है, ठीक है, नहीं कंट्रोल बैकस्पेस ये, ओके। अच्छा इसके बाद आप जाएं यहाँ पे अनहाइड ऑल, और दोबारा से मैं इसको हाइड कर देता हूँ। और कोई क्वेश्चन? सर, मेरा जब उसको सिमेट्री लगाते हैं और उसका जब मिरर करके आपने उसको क्लोज किया था हाँ सर, मेरा वो सिलेक्ट ही नहीं हो रहा था। चलो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये देखिए ये है ना, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं डिलीट नहीं करूँगा, मुझे वो काम ज़्यादा करना पड़ जाएगा, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। सिमेट्री मैं चाहता हूँ कि मैं इसके आगे सिमेट्री बनाऊँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और लगाऊँगा सिमेट्री। सिमेट्री किया, आप सिमेट्री के अंदर जाओ, यहाँ पे ये मिरर आएगा और इसको आपने आगे करेंगी तो फिल हो रहा है, आप इसको फ्लिप कर लो, ये देखो। अब भाई समझ, सर सर मेरा ऐसे नहीं हो रहा था ना, मतलब सिलेक्ट ही नहीं हो रहा था, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं आ रहा था। नहीं ये हो ही नहीं सकता, आप कोई मिस्टेक कर रही हैं, ये देखिए मिरर मेरे पास, दोबारा चेक करूंगी, मैंने आपको भेजा भी था कि सर ये मेरा सिलेक्ट नहीं हो रहा, मैंने वीडियो सेंड की थी आपको। मैंने नहीं चेक की फिर वीडियो आपकी। तो मैं अगेन ट्राई करूंगी सर। हाँ आप अगेन ट्राई करें, हो जाएगा, ठीक है। सिमिट्री का मॉडिफायर लगाना है ये वाला, ये मॉडिफायर होता है। अच्छा इसमें आप देखो मेरे पास ये है, मैं इसके जैसे इसको कर्व ऑन करता हूँ यहाँ पे, आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये मैंने ऑन किया तो ये मेरे पास हेलीकॉप्टर बन गया, ठीक है। अच्छा ये मैं चाहता हूँ ये कम हो, ये फासला जो है ना डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, ये वाला ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने इसको पहले सबसे इसका ऑफ किया नर्व्स सिलेक्शन को, और मैंने इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट किया, और मैंने यहाँ से कंस्ट्रेंट को मैंने एच को ख़त्म किया, वरना ये नहीं जाएगा, इसको आपने ऑफ करना है, ठीक है। इसको ऑफ किया, इसको थोड़ा सा पीछे ले जाओ, थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, ये देखो थोड़ा सा बैलेंस हो गया। और एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है जो मैं फील कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि ये वाला जो है ना ये पतला है काफ़ी, ये थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला है ये, अगर आप देखते हैं ना इसको, ये देखिए वायर फ्रेम में जाओ, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ये अब आई थिंक के परफेक्ट है। इसको सिलेक्ट करो, दोबारा से जाओ नर्व्स में, तो ये आ गया, अब बेहतरीन है, ठीक है ना, अब प्रॉपर हेलीकॉप्टर की शेप नज़र आ रही है भाई। मैं कहता हूँ ये बहुत ज़्यादा नीचे है, ये ऊपर होना चाहिए, तो आप इसको ऑफ करो, तो इट मीन्स कि आपने जो भी काम करना है ना इसको ऑफ करके करते रहना है, ठीक है ना, वरना होगा क्या कि आपको समझ नहीं आनी, आपकी इतनी ज़्यादा मैश हो जानी है कि आपको पता भी नहीं चलना, तो आपने इसको ऑफ करना है, इसको आप थोड़ा सा ऊपर करो और कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर लूँगा, आप सीधा कर लें,
मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना एक वो हो जाए, ये देखिए बराबर नहीं है, इसको आपने बराबर करना है, बराबर आ गया। और ये गुलाई भी है, ठीक है, कुछ इस तरह से मेरे पास, देखता हूँ मुझे क्या चाहिए। और रिक्वायरमेंट ड्राइंग बड़ी काउंट करती है, ठीक है, आपको मैं शायद मेरी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, बाकी की मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें मैं अब आपको दिखाता हूँ, आई स्क्रीन नजर के नहीं? शो तो हो रही है, आपकी स्क्रीन शेयरिंग भी है हमारे साथ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? हो रही है, शुरू से ही हो रही है जब से आपने स्टार्ट की है। नहीं, लेकिन उस वक्त तो खाली मैक्स था ना, अब मैंने क्रोम भी कर दिया। हाँ जी, ठीक है, ये देखे ना आपके पास मैंने लिखा है ये ब्लूप्रिंट 3D Max, 3D कह रहा हूँ, 3D मॉडल, ठीक है, 3D कोई भी हो सॉफ्टवेयर, आपने जब भी काम करना है प्रॉपर ड्राइंग के मुताबिक, तो आपको ये 3 प्रिंट दिए जाएंगे, ये देखो जरा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस पे आएंगे, ठीक है, ये एरोप्लेन हम मॉडल करेंगे, यानी पहले ये, फिर ये, यानी कि हर तरफ से, लेफ्ट से देखना हो तो ये नज़र आएगा आपको, फ्रंट से देखना हो तो ये नज़र आएगा, और टॉप से देखना हो तो ये आपको ये नज़र आएगा। तो इस तरीके से जो है ना आपके पास मॉडल मिलते हैं, जब भी आप कहीं पे भी कंपनी में जाते हैं ना, प्रोडक्ट मॉडलर या परफेक्ट मॉडलर, आपने कोई काम करना हो परफेक्शन वाली साइड, ठीक है, तो आपको ना मॉडल फिर चाहिए होते हैं, ताकि आपने उसके मुताबिक करो। तो ये देखें लेफ्ट राइट, ये मॉडल हुआ हुआ है, ये देखें लेफ्ट राइट हुआ हुआ है, ठीक है, इस तरह से आपको जो है ना हर चीज़ मिलती जाएगी और प्रोवाइड की जाती है। वरना होगा क्या कि आप काम ही नहीं कर सकती, मतलब मैंने तो हेलीकॉप्टर, मेरा एक्सपीरियंस था तो मैंने हेलीकॉप्टर मॉडल करना स्टार्ट कर दिया, वरना जिनका नहीं होता, लाइक आप दे दे के बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह आपको आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आप लोगों के साथ हूँ तो ट्राई किया करो कि मैक्सिमम आप अपनी प्रैक्टिस रखो, वरना फिर ये होगा कि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। अच्छा, अब आपको स्क्रीन में दोबारा शेयर करता हूँ आपके पास, ये देखिए अब आपके पास ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है ना, एक सिंपल सा मैंने मॉडल लिया था, बल्कि मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ पूरी पूरी स्क्रीन। देखिए मेरे पास ये मॉडल था, याद है ना, ये मेरे पास अभी तक खुला हुआ है टैब, मैंने बंद नहीं किया उसके बाद, ये देखिए पीछे से भी ये थोड़ा सा डाउन आ रहा है, यानी कि आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, ये वाला ये देखिए, ये बहुत माइनर सी स्पेस है यहाँ पे, तो मैं अपना देखता हूँ मॉडल, तो मैं इसको, तो मेरे पास देखो कितना थिकनेस आ गई है ना, ज़्यादा है, तो मेरा इतनी ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, मतलब नॉर्मल, अगर आप देखें विजुअल में देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुरा लगता हो, ये देखें ठीक है, यानी कि कोई नॉट बैड, इट्स फाइन, क्या कहते हैं आप लोग, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा, हम आगे बनाए मॉडल, आगे क्या करना है, आगे हमने इसका फैन बनाना है, ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसकी एनिमेशन करेंगे आज ही, तो मैंने इसके विंग्स करने हैं, विंग्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इसका ये किस तरह का बना हुआ है, ये टॉप, ये वाला,
ये भी बना हुआ है सही, सिलेंडर बने हुए, तीन सिलेंडर, सिंपल सा है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आपने अपने आप को इजी रखना है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, ये मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे बनेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ दोबारा से, और यहाँ पे एक मेरे पास मॉडल होता है सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर को मैं ड्रॉ करूँगा। ओके, तकरीबन ये मैंने इस जगह पे रखना है, ठीक है ना। अच्छा, अब थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें एक और आ गई है, मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ, याद रहेगा ना अगर मैं कोई चीज़ समझा दूँ तो, बोलोगे तो नहीं, थोड़ी सी वो हटके है ज़रा। अच्छा देखें, मैं इस वक्त ना इसमें मॉडल कर रहा था, ठीक है, बॉक्स था ये, देखें बॉक्स, ठीक है, ये स्फेयर, ये सिलेंडर, और ये टॉरस, ये आपने क्या करना है, टॉरस बनाना है क्या, ये कौन, ये ठीक है, ये टेक्स्ट टी पोर्ट, सॉरी टेक्स्ट कह रहा हूँ, और पैरामिड, मेरे पास इस वक्त ये थे मॉडल, ठीक है ना सारे, लेकिन मैं आज ना थोड़ा सा चेंज करूँगा। अच्छा इसका क्या मतलब है, ये देखो विंडो क्रॉसिंग, मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ तो मैं जब तक पूरा मॉडल के ऊपर ऐसे नहीं होगा ना, पूरा डॉटेड लाइन के अंदर नहीं आएगा, उस वक्त तक ये मॉडल को सिलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, वरना क्लिक करो तो सिलेक्ट होगा, वैसे करोगे ना ड्रैग करके तो नहीं होता, ये देखो ड्रैग करो नहीं होता, ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है इसकी, मैक्स की, सम टाइम हमें नहीं चाहिए होता, मैं कहता हूँ यार मुझे ना इसमें ये चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखो सिलेक्ट हो गया, हालांकि इसके ऊपर भी आ रहा है, ये देखिए डॉटेड लाइन उसके ऊपर भी आ रही है, मैं चाह इससे क्या होगा वो सिलेक्ट नहीं हो रहे, मैं इसको ऑफ करता हूँ, तो अब क्या होगा, अब मैं इसके साथ ऐसे करता हूँ तो देखो तीनों सिलेक्ट हो रहे हैं, जिस इसके ऊपर डॉटेड लाइन आ रही है, ये बड़ा अच्छा इसका फीचर है। अच्छा खैर, इसको इसका समझ आ गई, ये सारी मैंने चीज़ें समझा दी आप लोगों को, ठीक है ना, इसको आप करो डिलीट। इसके बाद आपके पास ये साथ क्या लिखा हुआ है, ज़रा गौर से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, शेप्स हाँ शेप्स, ठीक है, आपने शेप्स पे क्लिक करना है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर लाइन होती है सर, इसके अंदर भी वही चीज़ें होती हैं, ये लाइन है, ये देखो लाइन के साथ कुछ भी आपने करना हो, जैसे पेन टूल के साथ हम इलस्ट्रेटर में फोटोशॉप में बनाते हैं ना, ये वो चीज़ है, राइट क्लिक किया छोड़ दिया इसको और डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है, ये एक लाइन टूल है। ओके लाइन से क्रिएट करके से एक्सट्रूड कर सकते हैं ना। सब कुछ कर सकते हैं, अभी देखें जरा, मैंने यहाँ पे ना एक सर्कल लिया ये, ठीक है, सर्कल कितना बड़ा चाहिए कितना छोटा चाहिए आपकी मर्जी है, वैसे इलस्ट्रेटर किया हुआ किसी ने, कि नहीं आप में से किसको आता है, सर मुझे आता है पर अच्छा मुझे भी आता आप किस किस तीनों को आता है, यानी कोमल, आरफा और सारा, तीनों को आता है, गुड, नहीं मुझे नहीं आता आपको नहीं आता, मेरी फिर नहीं किया। अच्छा, ठीक है, वैसे कर लो तो ज़्यादा अच्छा है इलस्ट्रेटर, ठीक है ना, उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन ना भी करो तो कोई इशू नहीं है, वैसे काम तो चल ही जाता है, लेकिन करने से ये फ़ायदा होगा कि अगर आप कर लेती है ना, यानी आपको यूज़ करना आ गया, हल्का फुल्का कर लो, मतलब ज़्यादा नहीं, तो यूट्यूब पे जी एफ एक्स मेंटोर का एक वे मैं दिखा देता हूँ आपको, मैं ये देखे ना, ये है जी एफ एक्स मेंटोर, ये बंदे ने आपको इलस्ट्रेटर ए टू जी सिखाता है ये बंदा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा अगर सीखना है, नहीं सीखना तो छोड़ दो फिर, अगर हल्का फुल्का करें तो इससे देख के आपको इतना हो जाएगा कि आप लोगों को ना यूज़ करना आ जाएगा। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं अब आपको वो बताता हूँ, देखिए मैंने एक सर्कल लगाया, ठीक है, सर्कल लगाने के बाद मैं इस सिलेंडर को इस सर्कल के गिर्द घुमाना चाहता हूँ ऐसे, मेरी बात की समझ आई, यानी मुझे तो अंदाजा नहीं ना होगा कि मैं अगर सीक्वेंसली मैं करूँगा, एक को मैं यहाँ रखूंगा, मुझे क्या पता कि अगला बिल्कुल सेंटर में है कि नहीं, आ ये देखें, इसके बाद मैं इसको यहाँ पे रखूंगा, ठीक है, सेंटर में, इसके बाद मैं यहाँ भी करूँगा,
इस तरह से सेंटर आप रखने के काम आता है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि ये सेंटर में है, ये सेंटर में है, आपस में मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, इसको फिलहाल भूल जाओ, वो मैं ऑप्शन नहीं बता रहा आपको, ठीक है ना, वरना आपको फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, आप लोगों को समझ नहीं आनी। मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ, इसको मैं पकड़ता हूँ, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा बारीक और छोटा भी करता हूँ, ठीक है, ये बारीक करने का है, ये देखो बारीक किया मैंने, और इसके साथ ही मैंने इसको साइड भी मैं गया, ये देखो ये इतना बड़ा है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा भी करता हूँ, चलो ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं इसकी एजिस, ये इसके एजिस हैं, देखो कितने ज़्यादा कितने कम, ठीक है, 3 हैं 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, आप 18 इसके बाई डिफॉल्ट होता है, आप वही रखें। इसकी हाइट को मैं कम कर लेता हूँ, ये आप जाएं अब टॉपियो में, टी प्रेस किया टॉपियो आया, शिफ्ट के साथ आपने इसकी कॉपी की, ओके कॉपी, ये कॉपी आपने ओके किया, इसके बाद आपने इसको और इसको आपस में क्या कर देना वाला, वेल्ड के अटैच। अब मुझे आप बताएं कि मैं वेल्ड करूंगा कि मैं अटैच करूंगा, वेल्ड करूंगा कि ग्रुप करूंगा, मैंने गलत क्वेश्चन पूछा था, वेल्ड और अटैच नहीं, अटैच करूंगा कि मैं ग्रुप करूंगा, जी रिजवान आप बताओ। अरकम आप बताओ, जी सर, मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें, वेल्ड कर दूं और अटैच करूंगा कि मैं इसको ग्रुप कर दूं, क्या लगता है आपको? मैंने चार बनाने हैं ना इस तरह, और दो इस तरह से बनाने, मैं दिखाता हूँ आपको, जी ऐसे बनाने, मैंने ऐसे चार, अब ये देखो ना, ये फासला और ये फासला मुझे बराबर में चाहिए, मैं क्या करूंगा इसको, कोई आइडिया है किसी को भी हो, सारा आप बताओ। सर आई थिंक वो अटैच करेंगे, लिंक करेंगे, वो जो आपने बताया था लिंक, लिंक लिंक तो ये होता है, ये जी लिंक लिंक नहीं करेंगे, नहीं, लिंक क्यों करेंगे हम, तो शायद अटैच करेंगे। अटैच करेंगे, ठीक है, देखो मैं अटैच क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको, मैं इसको डाउन करके यहाँ तक ले आता हूँ, मुझे लगता है कि ये अभी भी सिलेंडर काफ़ी थिक है, तो मैं इसको थोड़ा सा इसका रेडियस कम करूँगा, और शिफ्ट के साथ मैं एक कॉपी करूँगा यहाँ तक, और कॉपी ओके, मैंने इसके बाद इसको, ये हिल गया थोड़ा सा, शिफ्ट राइट क्लिक किया, पॉली में कन्वर्ट किया, इसको राइट क्लिक किया और मैंने किया अटैच, ठीक है, अटैच किया इसके साथ, अटैच करने के बाद आप देखें तो इसका गिज़मो जो है वो यहाँ पे रहा, मुझे तो गिज़मो सेंटर में चाहिए, क्या ख्याल है? तो मैं एक काम करता हूँ, और मैं अटैच करने से पहले इसको मैं डिलीट करता हूँ, और मैं इसको अटैच करने से पहले इसका एक ग्रुप करता हूँ, इन मैंने कॉपी किया और दोनों को पकड़ के, ये ऐसे पकड़ के मैंने ग्रुप में गया और ग्रुप कर दिया, ग्रुप किया तो क्या हुआ, एक ही तरह की बन रहे हैं ना, ये देखो सेंटर में आ गया इसका, तो शिफ्ट के साथ मैं इसका शिफ्ट प्रेस किया और रोटेट किया तो कॉपी बना ली उसने एक, आप जाएं यहाँ पे सीधा 90 एंगल पे, ये तो मेरा मसला सॉल्व हो गया, देखिए बस अटैच करने से क्या था, अटैच करने से इसका गिज़मो सेंटर आउट हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको ये वाली चीज़ बनानी थी, अगर आप देखें मैं यहाँ पे अपने हेलीकॉप्टर में देखता हूँ, ये देखिए कितने पाइप लगे हुए हैं, इसको ज़रा गौर से देखते हैं, एक दो ही लगे हुए हैं ना, चार तो नहीं है, दो हैं एक सेंटर में है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा और इसको मैं अनग्रुप करूंगा और इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है, तो
तो अब मैं इसको शिफ्ट के साथ मैंने आगे किया, ठीक है, और मैंने यहाँ से इसको दो कॉपियाँ कर दी, यानी दो कॉपियाँ, और इसको मैंने थोड़ा सा बारीक कर दिया, बोल्ड कर दिया, सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करूँगा। तो इसको और इसको आप इसको स्केल पकड़ो, राइट क्लिक करो स्केल के ऊपर, स्केल के ऊपर क्या करना है बताओ ज़रा मुझे, राइट क्लिक, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे ये आपके पास ऑप्शन ऑन हो जाएगी, आपने इसको थोड़ा सा छोटा करना है, ऐसे छोटा किया, ये देखिए कहाँ मिल गया साथ, थोड़ा सा और छोटा कर, मैंने दोनों को सिलेक्ट करके किया है जिसके अराउंड है मिडल ये वाले देख एक्सेप्ट मिडल। इसको और इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसको छोटा करना शुरू कर दिया। इसमें सिलेक्शन में तो कोई मसला नहीं है, आप वन बाई वन कर सकते हैं, वन फिर टू, कंट्रोल प्रेस करो इसको और कंट्रोल प्रेस करके इसको, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके मल्टीपल सिलेक्शन होती है, आपने ये बना लिया, तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है ना छोटा हो, तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने इसको डिलीट किया और इसको मैंने थोड़ा सा और छोटा किया यहाँ से, छोटा किया और इसको मैंने यहाँ पे रखा, बिल्कुल सेंटर में किया इसका, बल्कि सेंटर करना हो तो शिफ्ट ए क्लिक करो, सेंटर में आ गया, ओके। अच्छा, इसके बाद अब ज़रा गौर से देखिएगा, मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए, देखिए अब ये वाला जो है ना इसका मैं कलर चेंज किया हुआ है, इसका मैंने छोटा कर ये बना लिया, ठीक है, बाद में कर लेंगे, बड़ा इशू नहीं है। टी प्रेस किया, टॉप व्यू में आया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये मेरे पास है मूव टूल, यानी मैं इस वक्त इसमें हूँ, ये रोटेशन है, रोटेशन पे क्लिक करोगे ये ऑप्शन रोटेशन वाली बन जाएगी, इसको क्लिक करो ये ऑप्शन जो है स्केल वाली बन जाएगी, तो आपने मूव के ऊपर क्लिक किया, ये मूव टूल होता है, इसे कहते हैं सिलेक्ट एंड मूव, इस पे क्लिक किया, ये क्या लिखा हुआ है, ये कौन सी एंगल है, एक्सिस बताओ जरा मुझे, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे आपने इसको बढ़ा देना है, तकरीबन मुझे ये मिल रहा है तकरीबन यहाँ से वन कर दो, वन तो बहुत ऊपर चले गया है, देखो कहाँ तक गया है वो, वहाँ तक गया हुआ है, तो मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूँ, बस में फिट में जा रहा है ना, पॉइंट वन कर देता हूँ, पॉइंट वन कहाँ तक गया है, वो यहाँ तक गया है, तो मैं पॉइंट 0.005, 0.005 से यहाँ तक आया, ये भी गलत है, मैं कहता हूँ 0.05, ये ठीक है, हाँ 0.05, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 0.01, पॉइंट 0.03, चलो 3 पे डन कर देते हैं, ठीक है, ये आ गया, इसी की कॉपी करो दोबारा से एक शिफ्ट के साथ, और कॉपी किया मैंने और शिफ्ट ए, क्या शिफ्ट ए प्रेस किया, इसके ऊपर रखा, ये आ गया। अब आपने इसको कितना किया था ऊपर, कुछ याद है कितना किया था, 0., आई थिंक आपने 5 किया था नहीं कोमल आप बताओ, और 3 किया। 0.3 किया था, यस, तो मैं माइनस, अब मैं माइनस कर रहा हूँ, -0.3, ठीक है, -0.3 तो बहुत ज़्यादा नीचे चले गया, ये क्या बना, मैंने 0.03 किया था आई थिंक, यस 0.03 किया था, ये देखिए 0.03 ये मेरे पास बन गया, अब मैंने क्या करना है, मेरे पास ये दो चीज़ें बनी पड़ी हैं, अब इसको मैंने इसको इसके मुताबिक बड़ा करना है, इसको पकड़ा और इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने पकड़ के ऊपर कर लिया यहाँ, ठीक है, तो साइड व्यू से देखोगे तो आपके पास इस तरह नजर आएगा, साइड व्यू,
साइड व्यू को पता है कौन सा होता है? एफ प्रेस करने से फ्रंट आता है, एल प्रेस करने से लेफ्ट व्यू आता है। तो लेफ्ट व्यू पे आके अब मैं आप वाला करूंगा कि जो आपने मुझे सारा अपनी कहा था कि अटैच करेंगे, है ना? मैंने नहीं बोला था सर, वो किसने मैं तो कहा बोल था? रही हूँ मैंने मुझे कहा राइट था, कोमल ने कहा था। चलो मुझे नामों का भूल सर। जाता, आगे पीछे रहता है। मैंने राइट क्लिक किया और मैंने अटैच किया। अटैच करने के बाद मैंने इस पर क्लिक किया, ये आ गया, ये अटैच हो गया और ये अटैच हो गया। तो अब मैं इन सबको आपस में क्या करूँगा भला? अच्छा, मैंने इनके वो पकड़े वर्टेक्स, ये नीचे से, ये देखिए सारा इस तरह से सारे पकड़ लो इस तरह से, और इसको मैं यहाँ से इस तरह करूँगा तो वो क्या हो जाएंगे? प्रेस हो जाएंगे। ये देखो ज़रा, प्रेस हो गए ना, ऐसे हो रहे हैं। मुझे ऐसे तो नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से छोटा करूँगा, ऐसे दरमियान से, या इससे, अगर आप साइड व्यू पे खड़े हैं ना इस वक्त, ऐसे साइड व्यू पे खड़ा हूँ ना इस वक्त, देखो तो मैं इसके साथ छोटा करूंगा। ये देखिए, इसको डाउन करो, ये चारों तरफ से कर रहा है, ये मुझे चाहिए। हो गया छोटा, ओके। बस आपने इसको ओके किया, इसको छोड़ दो। इसके बाद आपने इसको और राइट क्लिक किया, अटैच किया, इसको भी साथ मिला लिया, ठीक है। इसके बाद आपने इस पे क्लिक करना है, हम इसको अच्छा, मैं यहाँ से इसको ये बहुत छोटा हो गया, देखो ये यहाँ तक बहुत छोटे हो रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा, सही है, इतना ही मुझे चाहिए था। तो मैं इनके कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर चेंज किया मैंने और ओके किया, ओके किया, और मैं इसको पकड़ के यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास आ गया हेलीकॉप्टर, में देखते हैं एक साइड लगा। अच्छा, मुझे यहाँ पे हॉल भी चाहिए, हॉल, ठीक है। हॉल के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं आप लोगों को मैंने एक और चीज़ बतानी थी, चलो मैं बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, इतना बड़ा मसला नहीं। देखिए, बल्कि बताई होगी मैंने शायद, बॉक्स मैंने क्लिक किया, मैं अब दोबारा बॉक्स बनाऊंगा तो वो नीचे से बनाएगा ऐसे, है ना? ऐसे ही है, कभी बनाया? जी अगर मैं हाँ, वो चाहता हूँ, नीचे से ऊपर था। हाँ मैं कहता हूँ कि इस जगह से इस तरफ आए, तो क्या करूँगा मैं ऑटो ग्रिड कर लूँगा। ये ऑटो ग्रिड इसको ऑन करूँगा, ये देखो यहाँ पे ऑटो ग्रिड, मैंने ऑटो ग्रिड को ऑन किया और अब मैं करूँगा तो वो उसने वहीं से ओपन किए। देखिए, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ और से सर उस, अगर इसमें मतलब होलो करना हो वो भी थोड़ा वो मैं सा बता देता हूँ, टाइम। मैं बता देता हूँ, ठहरो जरा। ऐसे ये देखो, मुझे बस चाहिए इसके ना, इसको कोई ज़मीन चाहिए, ठीक है ना, जहाँ पे ये मेरा कर्सर ना वहाँ पे लग जाए। देखो यहाँ पे ज़मीन नज़र आ रही है ना, यहाँ पे तो वो करेगा। मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं इसकी जगह पे करता हूँ। तो देखो, इसने इस एंगल को पकड़ के इधर कर लिया, ठीक है, इस एंगल को पकड़ के इधर कर लिया, और इस एंगल को पकड़ के इसने इधर कर लिया, इसी तरह इस एंगल को पकड़ के इसने अपने मुताबिक हर तरह से अपने मुताबिक कराया जा रहा है, ठीक है ना, ये ज़रा गौर से देखिएगा। अच्छा, मैं, मेरे बताने का मकसद क्या था आपको, ये वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, मेरे बताने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं, मुझे ऊपर से चाहिए प्लेन, तो मैं स्फेयर लेता हूँ, एक सिलेंडर, और ग्रिड मैंने ऑन की हुई है, यानी ऑटो ग्रिड, ये देखो ऑटो ग्रिड ऑन है आपकी, ठीक है। अगर आपने ऑफ करनी हो ना, मतलब मैं यहाँ पे ऑफ करनी हो तो मुझे यहाँ पे ऑफ करनी पड़ेगी, यानी कि बनाने के बाद ना ऐसे मैंने किया, मैं कहता हूँ अब ऑफ हो, ऑफ नहीं होगी, क्योंकि जब तक आप किसी को सेलेक्ट नहीं करोगे, इसको सेलेक्ट किया, अब ऑफ कर लो, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट टाइम के लिए होता है ये। अच्छा, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, और सरेंडर, सरेंडर को मैंने क्लिक किया, ऑटो ग्रिड को मैंने ऑन किया, और मैं यहाँ पे
ये इतना होलो मैंने किया, इसको मैंने ऊपर कर दिया, ठीक है, ओके। अच्छा ये मैंने बना लिया हॉल, अब मुझे हॉल चाहिए ना इसके अंदर वाली साइड पे चाहिए, ओके। तो मैं देखता हूँ कि अंदर वाली साइड पे मुझे किस तरह मिलेगा ये। एक तो ये चीज़ है कि मैं इसको इतने एरिया में ट्रिम कर दूँ। ये देखो अब मैं टॉप व्यू पे हूँ तो इस वक्त ये साइड इसकी नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि ये प्रॉपर सीधा नहीं था, इसकी सतह ये सीधी नहीं थी, ठीक है। इसको सीधा करने के लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा मैं इसको क्लिक करता हूँ और लेफ्ट व्यू में जाता हूँ, यहाँ से मैं इसको देखो ये थोड़ी सी डाउन जा रही है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ये वाला सारे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ। चलो ये देखो अब मैं यहाँ पे अगर हॉल करता हूँ ना दोबारा उससे, क्या कहते हैं जो मेरे पास टूल है हॉल के, हॉल का टूल होता है वो भी ठीक है, लेकिन मैं पहले एक कोशिश करता हूँ कि मैं असल तरीके से करके देखता हूँ, शायद हो जाए, वरना फिर मुझे करना ही पड़ेगा। देखो ये मैं आता हूँ इस पे और आपने एक को सेलेक्ट किया, अब उसी वही तरीका ऑल्ट एफ, मैंने इसकी शॉर्ट की बनाई हुई थी, ऑल्ट एफ प्रेस किया, देखो मैं ऑल्ट एफ प्रेस करूँ नहीं हो रहा कि वो फाइल डिलीट मैंने कर दी थी। एक को सेलेक्ट किया ऑल्ट आर कंट्रोल शिफ्ट ई, ये आ गया मेरे पास। इसको आप कर दे एज सिलेक्शन, कभी भी आपने हिलाना हो ना किसी मॉडल के ऊपर तो ये आप लाजमी सेलेक्ट कर लीजिएगा एज के ऊपर, ताकि वो आपकी मैश ख़राब ना हो। मैंने यहाँ भी कर लिया, इसके बाद मैं इसके अंदर जाता हूँ, इसके ऊपर दरमियान में मुझे मिल गया ना एक, तो मैं इसको यहाँ से, मेरे पास एक ऑप्शन होती है शैम्फर की, ये शैम्फर, शैम्फर को मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास कुछ इस तरह एक बॉक्स बना दिया उसने, ओके। अच्छा इस बॉक्स को मैंने राउंड करना हो तो क्या हो करेंगे, ये ऑलरेडी राउंड है, मैंने आपको बताया था कि जैसे आप इसको शेप में करोगे यहाँ पे यूज नब्स में, तो देखो राउंड नहीं हुई वो आगे उसको ले गया, ठीक है। मैं इसको डिलीट भी कर दूंगा तो वो आगे इसको लेके जा रहा है, तो मैं इस नब्स को सिलेक्ट करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा इसको ऑफ करो, ये कुछ इस तरह का बना रहा है। ये क्यों बना रहा है कि मेरी जो लाइन है ना वो सीधी नहीं है, ठीक है, वो तिरछी जा रही है ऐसे नीचे की तरफ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कंट्रोल सी, ये इस लाइन को पहले मैं सीधा करूँगा, ठीक है ना, इस लाइन को आपने सीधा करना है, ये सिलेक्ट की मैंने, डबल क्लिक किया सिलेक्ट हो गई, देखो डबल क्लिक सिलेक्ट हो गई सारी। तो आपने इस लाइन को सीधा करने के लिए आपने एक काम ये करना है कि एक तो एच सेलेक्ट है ना ये वाला, देखो एच सेलेक्ट, ठीक है, एक होता है वर्टेक्स सेलेक्ट, वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है। अगर मैं इस तरह करूँगा तो बड़ा टाइम लगेगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल के साथ, तो उसने एच से वर्टेक्स की तरफ आ गया खुद ही। तो मैं इसको एक्सिस में सीधा करना है, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन होती है ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस, वाई और ये एक्स, एक्सिस में मैंने सीधा किया इसको और मैं यहाँ पे ले आया, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे सेंटर पे ले आया, ठीक है। बाद मैंने इसको डिलीट ही करना है, कोई बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ ऊपर वाला मार्जिन लेना है। तो आपने इसको एक को सेलेक्ट किया और यहाँ पे फिर दोबारा से शैम्फर किया, ओके, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो अभी भी उसने देखो गोल किया, खैर नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम एक काम तो और यहाँ पे डायरेक्ट सर्कल नहीं कर सकते क्रिएट, मतलब भाई, बनाकर लाइन को? हाँ कर सकते हैं, वो उसी तरफ ही आ रहा हूँ मैं, इसको अगर डिलीट करता हूँ, एक और फार्मूला मैं देखता हूँ, मैंने डिलीट किया इसको, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको
यहाँ से किया तो ये हो गया। ठीक है, गोली बना हुआ है ठीक है ना, वो सिर्फ मेश में दिखा रहा था ऐसा, कोई बात हमने इसको ख़त्म किया पहले। ठीक है, गुलाई को ख़त्म किया और डिलीट को भी मैंने ख़त्म किया, मैंने जो डिलीट किया था उसको मैंने वापस ले लिया। मैं अब इसको एक्सट्रूड करूँगा नीचे की तरफ। ठीक है, एक्सट्रूड ये वाला, ये ऊपर की तरफ राइट क्लिक किया इसको नीचे, ये देखो ये नीचे की तरफ। अब आपने गुलाई को रोकने के लिए एक छोटा सा एक्सट्रूड लें पहले, छोटा सा, मैं यहाँ तक बस, और प्लस प्रेस करें। प्लस प्लस का मतलब है कि ये रहेगा, एक और एक्सट्रूड हो जाएगा। प्लस करता हूँ तो एक और हो गया, और की वैल्यू जो है मैं डाउन कर लेता हूँ यहाँ तक, और ओके किया। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी एक एज आ जाए, तो मैं एक दफ़ा और एक्सट्रूड करना चाहिए था मुझे, मैंने बंद कर दिया। मुझे एक और एक्सट्रूड चाहिए, लेकिन वो मुझे बिल्कुल करीब से चाहिए, बस यानी कि राउंड ना करे इसको ना। मैं अगर इसको राउंड करता हूँ, चेक कीजिएगा ज़रा, ये देखो राउंड ही ना करने दे रहा उसको, ये चीज़, ये मैं चीज़ बनाना चाह रहा था। ओके अच्छा, इसके बाद मैंने इसको अनहाइड किया और मैं इसको लेके आया। अब इसको मैं यहाँ पे आके यहाँ पे रखता हूँ, इसका गिज़मो जो है ना सेंटर में नहीं है, इसका गिज़मो सेंटर में, सेंटर आउट हो गया है, ये देखो। मुझे तो ये वाला जो इसका गिज़मो है ना वो सेंटर में चाहिए, ताकि मैं घुमाऊँ भी तो सेंटर में आए। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये आएगा सेंटर, ये सेंटर हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा इसको, करना पड़ेगा आई थिंक, ये बेस्ट हो गया। ठीक है, इसको मैं गुलाई में कन्वर्ट करता हूँ, देखता हूँ। ये चेक करें जरा, थोड़ा सा अब आप जाएं यहाँ पे और इसकी गुलाई का ना एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, सर्कल सिलेंडर, ऑटो ग्रिड ऑन है, ऑटो ग्रिड को मैं ऑफ करता हूँ, वायर फ्रेम में जाता हूँ, मैं यहाँ से इसका एक सर्कल लिया, कंट्रोल जी, ये सफ़ेद लिया हुआ था, सिलेंडर लेना, सिलेंडर ये यहाँ पे आ गया बराबर बराबर में हर तरफ से। ओके, तो मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ यहाँ पे, ये भी बहुत ज़्यादा अभी छोटा है, तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ तक। ओके, और कंट्रोल और कन्वर्ट पोली में, और कन्वर्ट पोली में करने के बाद आप इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ यहाँ तक, और इसको मैं ये डिलीट और ये डिलीट, ये मेरे पास एक पेपर नुमा एक सरफेस आ गई, बारीक समय यहाँ पर रखूँगा। ठीक है, इसको मैंने ठीक करना है, तो इसको ठीक करने के लिए इसके ऊपर मैंने एक मॉडिफायर लगाया, उसको कहते हैं शेल। क्या कहते हैं? शेल। ठीक है ना, किसी भी चीज़ को थोड़ी सी थिकनेस डालने के लिए ना उसके ऊपर हम शेल लगाएंगे, ये शेल। ठीक है, शेल को मैंने क्लिक किया तो ये इसकी थिकनेस आ गई, देखो कितनी बड़ी होगी। मैं चाहता हूँ एक होती है इनसाइड, ये इनसाइड है, एक होती है आउटसाइड, ये आउटसाइड है, ये आउटसाइड है, ये आउटसाइड और ये इनसाइड। ठीक है, मैंने इनसाइड पे करना है, आउटसाइड को राइट क्लिक करके ज़ीरो कर दो और इनसाइड पे थोड़ा सा कर दो, चलो बस। और इसको मैं नीचे ले गया यहाँ पे, अब
अब मुझे थोड़ी सी इसकी हाइट को छोटा करना है, तो मैं कन्वर्ट पोनी में करता हूँ या दोबारा इस पे आए, वो लगा हुआ शायद। अच्छा यहाँ से इसको डाउन करता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, और अभी भी सरफेस नजर आ रही है इस तरफ से देखो हर तरफ से, तो इसको थोड़ा सा और हम बोल्ड कर लेते हैं, और मैंने बोल्ड कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको, ये गुलाई नहीं है असल में, थोड़ा थोड़ा ना गुलाई इसकी खराब है, तो मैं इसको कन्वर्ट पॉली में करता हूँ, इसकी मैं गुलाई करता हूँ, गुलाई करता हूँ तो खराब होएगा थोड़ा सा। देखिए जरा, ये देखिए, ये तो एक रिंग बन गया टायर टाइप ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसके दरमियान में ना दो रिंग डाल देता हूँ। ठीक है, मतलब के इसको क्लिक किया ऑल्ट आर, और मैंने यहाँ से सेटिंग में गया कनेक्ट, और यहाँ से मैं इसको दो दफ़ा किया, और इसकी स्पेसिंग को मैंने खोल दिया यहाँ तक ले आया एच के करीब करीब, ताकि एच को गोल ना करे मेरा सब डिमोल्डिंग ये वाला। ठीक है, इसको ओके करता हूँ, और मैं दोबारा अंदर वाली साइड पे भी आता हूँ ऑल्ट आर, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, तो देखो आ गया ओके। अब मैं इसको देखता हूँ गुलाई हो रही कि नहीं हो रही, मैं जैसे क्लिक करके यहाँ पे करता हूँ, तो देखो गुलाई ठीक हो गई, और इसको मैं इसके साथ रख लिया अंदर वाला, और इसको मैं ब्लू कर देता हूँ ताकि उसके साथ मैच हो जाए, आप लोगों को लगे कि शायद इसी के पार्ट है। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है कि ऊपर से भी गुलाई हो रही है, देखिए ये भी गुलाई ये भी गुलाई, तो मैं इसकी दोबारा खत्म करता हूँ, और या एक स्ट्रक किया मैंने यहाँ पे ऑल्ट आर, सारे सेलेक्ट हो गए, कनेक्ट की सेटिंग में गया ओके किया, चलो अब मैं देखता हूँ। अब ठीक हो गया ना, क्या कहते हो आप लोग? अब ठीक लग रहा है काफी। पहले वाला तो वो थोड़ा सा था ना, उसमें थोड़ी सी आर्च दिख रही थी, ये ठीक है, ये राउंड है, पर सर ये ज़्यादा नीचे नहीं है, ये इस तरह ही ठीक है। अच्छा नहीं, आप यहाँ पे कर लो, आपकी मर्जी है ना, ये तो आपके पास ऑप्शन है, इसकी हाँ इसको क्लिक करो, इसको अब आपने शिफ्ट ए इसके साथ सेंटर कर लो, उसने इसके किस्मों के अकॉर्डिंग किया है। ठीक है ना, इसका किस्मों सेंटर में नहीं है, बेसिकली मैंने धोखा दिया हुआ है। दो ऑप्शन होती है आपके पास, एक ये देखो ये वाली और एक ये वाली, ठीक है तीन होती है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं होती है, इसकी और इसकी जरूरत होती है, ये चाइल्ड पैरेंट में काम करता है। मैं क्या करता हूँ, मैंने इसके किस्मों को पकड़ा सेंटर पे कर दिया, किस्मों को सेंटर में करने के लिए एक ऑप्शन होती है, ठीक है हरारकी के अंदर आती है, ये देखो ये हरारकी है, ठीक है हरारकी इसकी शॉर्ट की है, होती है इंसर्ट, ये कीबोर्ड के ऊपर बटन बना होता है ना इंसर्ट, होम के साथ इंसर्ट, इसके साथ ये आप इसको कर सकते हैं, लेकिन एक दफा प्रेस करने के बाद उसको दोबारा भी प्रेस कर सकते हो। मैंने इसको प्रेस किया, ये देखो मैंने इफेक्ट पिवट ओनली, इसको पिवट को क्लिक करूंगा, ये लिखा हुआ है सेंटर टू ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑब्जेक्ट में किया, हो गया सेंटर। ठीक है, अब आप इसको शिफ्ट ए प्रेस करो, इसको पहले ऑफ कर लो, इसको ऑफ किया पहले, बाहर आ गए पोली में चले गए दोबारा से, इसको अनसेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया शिफ्ट ए, इसके साथ आपने इसको क्लिक किया तो ये सेंटर में आ गया देखो। ठीक है, अब इसको आपने छोटा करना है थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, मेरा ख्याल नमाज पढ़ लेते हैं। ठीक है, अजान हो रही है आप लोगों के इधर, जी, एग्जाम स्टार्ट हो गई चले आप इतनी देर में ये ट्राई करो जो मैंने करवाया इतना, और मैं नमाज पढ़ूंगा, ठीक है अजाने भी हो जाएंगी।
भाई पढ़ ली नमाज। सर। जाने हो गई है, सर। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा मैंने ये बनाया, ठीक है, वैसे देखो तो इस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है। ओके अब हम क्या करने वाले हैं कि मैं इसको थोड़ा सा ठीक करूँगा, ये बहुत अभी वीक है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा। ऐसे करूँगा तो बड़ा होता जा रहा है, जबकि मुझे इन दोनों को क्रीप करना चाहिए था, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इसको बारीक करता हूँ, ऐसे छोटा करता हूँ, ठीक है, और बड़ा करता हूँ। ओके आपकी मर्जी है, आपने किस तरीके से करना है। तो मैं इसको फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहा, छोड़ देते हैं ऐसे। अच्छा आगे ऊपर इसके क्या बना हुआ है मैं देखता हूँ। ये विंग्स बना हुआ है इसका, तीन ये। अब मुझे नहीं पता कि ये आगे किस तरह से नजर आएगा, तो हम एक और कर लेते हैं काम। ये वो ये कि मैं यहाँ पे आता हूँ और देखता हूँ हेलीकॉप्टर। इमेज कर लेता हूँ, देख लेते हैं यहाँ से। ये देखो कितने बड़े बड़े हैं, ये बहुत बड़े हैं, ठीक है। और ये भी और है, हम कोई लेते हैं टॉप। कुछ और ही आ गया, में रेफरेंस मिल जाएगा। हेलीकॉप्टर तो वही आ गया, हाँ ये देखो इसमें भी आपको नजर आएगा ये। तो सिंपल इसका ये हम कर लेते हैं। मैं इसलिए पूछा था आप लोगों से कि इलस्ट्रेटर किया है कि नहीं किया। मैं टॉप व्यू में आता हूँ, टॉप व्यू में अगर नहीं भी किया हो तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आते हैं। आपके पास एक टूल होता है शेप टूल, ये शेप, ठीक है, शेप को क्लिक करो और यहाँ से लाइन पकड़ो आपने, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग। बैकस्पेस, बैकस्पेस और बल्कि कैंसिल कर दो, क्लिक ड्रैग नहीं करना। अब ड्रैग करो और क्लिक और स्टॉप करके बस छोड़ दो, ये आ गया, ठीक है, ये शेप आपने बना दी। इसके साथ ही आपने इसको वाई वाली साइड पे नीचे की तरफ लेके आना है, ठीक है, वाई वाली साइड को नीचे की तरफ लेके आना है। तो आप अगर कंट्रोल शिफ्ट के साथ कॉपी करोगे इस तरह तो कभी भी नहीं होगा, ये देखिए कभी भी नहीं होगा इस तरह। आप मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये इस तरह से आ रहा है, मुझे इस तरह से चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं यहाँ से फ्लिप करता हूँ मिरर, ठीक है। इस ऑप्शन का पता है कि नहीं, पता किया फ्लिप किया और फ्लिप में मेरे पास वाई वाली साइड पे मैंने फ्लिप करना है, ये वाई वाली साइड फ्लिप किया। और नो क्लोन का मतलब है कि कुछ भी नहीं चाहिए आपको, मैं कहता नहीं मुझे कॉपी चाहिए, कॉपी पे क्लिक किया और ओके किया, ठीक है। इसको नीचे पकड़ो थोड़ा सा यहाँ पे और मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया और अटैच किया। अटैच करना मस्ट है वरना काम नहीं कर सकेंगे आप। अटैच किया और इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे फ्यूज़, फ्यूज़ और बेल्ट, ठीक है, और इसको डिलीट भी कर दो। इसको डिलीट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आप इसको हरी कर लो थोड़ा सा, और यहाँ पे मुझे चाहिए लाइन, तो
मैं दोबारा से लाइन पकड़ता हूँ और एस प्रेस करो, एस फॉर स्नैप, मैंने आपको बताया था ये ग्रिड के ऊपर है, मैं ग्रिड पे नहीं करना, मैं वर्टेक्स पे करता हूँ, ये इस पर मैंने किया और ओके किया, इसको क्लिक करो और इसको क्लिक करो और राइट क्लिक करके इसको छोड़ दो, ये आ गया। इसके बाद आपने इसको अटैच करना है, ठीक है, इसको अटैच करोगे तो इसका गिज़्मो यहीं पे रहेगा, मैं इसको अटैच करता हूँ ताकि इसका सेंटर में है, मैं इसको अटैच करता हूँ इसके साथ, ओके। लेकिन ये आपको वेल्ड मस्ट करने पड़ेंगे, अटैच करने के बाद इसको क्लिक किया, ये वेल्ड, और पता कैसे चलेगा वेल्ड हुआ कि नहीं हुआ, ये देखिए ये दो वर्टेक्स सेलेक्ट, दो वर्टेक्स सेलेक्ट और इसको मैंने वेल्ड कर दिया, बस क्लियर, ओके। हम आपके पास ये एक शेप बन गई, ये देखो शेप बन गई। आप चूंकि पोली मोल्डिंग से करें, आप इसको छोड़ दो, आप पोली मोल्डिंग से बना लो, ठीक है, इससे तो मैं बना तो लूँगा, लेकिन आपको सब समझ नहीं आनी। मैं यहाँ पे एक बॉक्स लिया मैंने, ठीक है, ये किया, बड़ा किया और इसको मैंने कन्वर्ट पोली में किया, कन्वर्ट पोली, और कन्वर्ट पोली में करने के बाद आपने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ से आपने इसको कनेक्ट किया, इसको ये वाला सेलेक्ट करता हूँ और डॉप करता हूँ, यहाँ से विंग्स इसका निकला होगा और इन दोनों को मैं क्रीप कर लेता हूँ। क्रीप करने का तरीका ये है कि आप इसको और इसको सेलेक्ट करो, स्केल के साथ पकड़ के छोटा कर लो इस तरह से, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद आपने इसको डिलीट करना है, ठीक है, डिलीट, डिलीट करने के बाद इसके कितने फैन हैं, दो ही है ना, ठीक है, डिलीट करने के बाद आपने इसको बॉर्डर पकड़ना है, शिफ्ट के साथ बड़ा करो और मूव करो आगे, ये आ गया, और फिर अगेन शिफ्ट, बस ये आ गया, ओके। इसके बाद आप इसको छोड़ दो यहाँ से, ओके। अच्छा, अब आपने इसको भी मैं मिरर नहीं करूंगा या मैं सिमेट्री नहीं लगाऊंगा, मुझे इस तरह से भी चाहिए, तो मुझे इसका सेम इसी तरह ही घूमता हुआ आगे चाहिए, रोटेट शिफ्ट के साथ 180, किया और इसको मैंने मूव किया इसके आगे, यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है, टॉप इस ऐसे आएगा, आगे मैं विंग्स निकाल दूंगा इसमें से। अच्छा, मैं स्नैप ऑन करता हूँ दोबारा से, इसको क्लिक किया, स्नैप के साथ मिला दिया, मिलाने के बाद इसको मैंने अटैच किया इसके साथ और सेलेक्ट किया ऐसे और मैंने इसको वेल्ड कर दिया, वेल्ड, वेल्ड करने के बाद आप इसको डबल क्लिक करो और कंट्रोल बैकस्पेस, डिलीट हो गया। अब आपने ये करना है कि एस प्रेस करके पहले इसका स्नैप ऑफ करो और इसको आपने इसका स्केल छोटा कर लेते हैं, अब के बाद मैं इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, ठीक है, बारीक किया ऐसे, बस, और इसके बाद मैंने इसको
इसका किस्मो इसका पिविट पॉइंट मैंने सेंटर में करना है। मैंने आपको बताया था इंसर्ट की से आप क्लिक करो इंसर्ट की और इसको पकड़ के साइड सेंटर में कर लो ऐसे। ये आप मैनुअल कर सकते हो, ये बड़ा लंबा काम है, आपसे होगा ही नहीं। तो बेहतर है कि आप इसको इंसर्ट प्रेस करके ऑफ करो। इसको दोबारा ऑन करने के लिए आप जाओ यहाँ पे हरारकी में, हरारकी में पिवट के अंदर इफेक्ट पिवट ओनली, उसके बाद सेंटर टू ऑब्जेक्ट, सेंटर टू ऑब्जेक्ट किया और उसको मैंने कर दिया, ठीक है। अच्छा ये अब सेंटर में आ गया। अब आपने इसी तरह इसको भी सेंटर में किया हुआ था, याद होगा आपको, ठीक है। इसको शिफ्ट ए, इसके सेंटर लाइन कर लो, इसको पकड़ के ऊपर कर लो थोड़ा सा, कुछ याद बस, ठीक है। वो बहुत आगे बाहर की तरफ निकले हुए, निकलने दें, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे सही है। इसके बाद अगर आपने थोड़ी सी डिटेल डालनी हो, वो आपकी मर्जी की, आप इसके ऊपर और क्या कुछ कर सकते हैं। वो मोल्डिंग आपको पता अब चल के आ ही, सही से मोल्डिंग पता भी चलती जाएगी प्रैक्टिस करोगे तो। अब मोल्डिंग का पार्ट है ये, मैं जितना चाहूँ तो मैं डिटेल डाल सकता हूँ। इसको मैंने ये किया, इंसर्ट किया मैंने, इंसर्ट करने के बाद मैंने इसको ओके किया, ये इंसर्ट है इसका, ठीक है, ये वाला, ये देखो ये इंसर्ट को ये थोड़ा सा आगे किया, बस ओके किया। ओके करने के बाद आप इसको इन साइड पर ले जाए, एक्सट्रूड बाहर के वाली साइड पर रहने दो, इसको मैं यहाँ पे इन साइड वाली साइड कर लूँ यहाँ पर ऐसे। ओके आपकी मर्जी है कि आपने क्या करना है, ठीक है, क्या बना सकते हैं आप लोग, आपको ऑप्शन मैंने बता दी हुई है, आप इसके अंदर जाओ। अब आपका ये जो पार्ट है ना, ये देखिए ये बाहर की तरफ आ रहा है और उस तरफ से भी बाहर आ रहा है, क्यों ना हम इसको बाहर की तरफ निकाल दें। मैंने इसके वर्टेक्स को पकड़ा, इन दो वर्टेक्स को, ठीक है, ये वाले चार, और इसको मैंने पकड़ के थोड़ा सा ऐसे कर दिया, बल्कि इसको भी ना करो, आप दरमियान में ना सिलेक्ट करो ऐसे, एच को दरमियान में से ना सबको सिलेक्ट करो इस तरह से, या ए को क्लिक करो, ऑल्ट आर कर लो, ये दोनों तरीके आपके पास, ये भी है और ऑल्ट आर क्रेस के सारा सिलेक्ट करो। सिलेक्ट किया, कनेक्ट किया, तीन हो गए, मुझे तीन नहीं चाहिए, मुझे एक चाहिए, ठीक है, कंट्रोल सी, इसको सेटिंग में जाओ दोबारा से, इसको तीन के बजाय एक कर दो और ओके। इसको आपने ऐसे चले, मेरे पास थिकनेस आ गई, ओके। अब आप ये आपकी एक एज निकला हुआ है बाहर की तरफ आ रहा है, हमने इसको ज़रा सेट करना है, ठीक है, सिंपल है इसको। और अच्छा मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ और ये दोनों को सेलेक्ट किया। आपके पास एक ऑप्शन होती है शैम्फर की, शैम्फर, ठीक है, ये शैम्फर, इसको क्लिक किया और थोड़ा सा और टू से, ठीक है। बाकी किधर गए हैं, सब के सब चले गए। कभी नीचे मैसेज, नहीं सो, और नीचे एक्चुअली में मैसेज भी आया किसी का। वो नमाज पढ़ने के लिए गई है आरिफा, बाकी किधर गए हैं, रिजवान भी नहीं है। सर वो दो और थे, उन्होंने लीव कर दिया। हाँ अच्छा, सही। बाकी आप लोगों को समझ आ रही कि नहीं? जी सर, चलो अच्छा। मैंने यहाँ पे विंग्स करने, इसके विंग्स करने हैं, तो मेरे पास ये विंग्स है, ठीक है। इसमें मैं विंग्स का देखता हूँ पार्ट, ये वाला स्ट्रेट आ रहे, आगे बोल्ड लगे हैं इसके, ठीक है, ये भी आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप जाएं यहाँ पे और यहाँ पे इसको दोबारा से थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, वो ये जो मैंने पहले किया था ना, इसका ऐसे में करूँगा ना, एक इस तरह से सिलेक्ट करके नीचे की तरफ, तो मेरा थोड़ा सा मिस्टेक होने के चांसेस हैं, मिस्टेक हो सकती है मुझसे, तो
तो मैं यहाँ पे इसको चौड़ा कर दूंगा थोड़ा सा इस तरह से, ये। और इसके बाद आपने इसको सेलेक्ट किया, ऑल्ट आर। पापा बाहर की लाइट ऑन कर दो। ये देखिए सारा सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है। इसके साथ ही मैंने इसको कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद दो दफ़ा करो बस, ओके, ठीक है। दो एच मैंने डाल दिए। अब क्या करना है मैंने, अब ये कि मैं दरमियान वाला चैनल है इसमें से, ये वाला, ये मैंने उड़ा दिया, ये मैंने उड़ा दिया, ठीक है, इस तरह से कि इसी में से मैं विंग्स निकालूंगा अपने। और आपने इसको सेलेक्ट किया और उड़ा दिया इस तरह से, दो पार्ट मैंने कर दिए इसके जैसे आपको नज़र आ रहा था, ठीक है। तो खैर इतना ये ज़रूरी नहीं है, फिर डिटेल तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक और काम करता हूँ, सिंपल एक वो लेता हूँ, बॉक्स लिया मैंने, इसको मैंने, अब इसके डिफरेंट तरह से बनाने लग गए हैं। हाँ थोड़ा सा मैं चेंज करने लगा हूँ, हाँ उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है और मुझे नज़र भी नहीं आ रही, ठीक है ना, ओके। बहुत हुआ है। लेकिन हम अपने इमेजिन करके बना लेते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। मोल्डिंग तो अब आपको क्लियर हो ही चुकी है, ये देखिए मैं यहाँ पे इसको, देखो हमारा मेन मोटिव तो ये है ना कि हमें एक मॉडल क्रिएट करके दिखाना है, मैटर नहीं करता उसमें विंग्स का स्टाइल क्या, पर डिटेल्स हाँ थोड़ी होनी। हाँ डिटेल बिल्कुल। अब मैं वो डिटेल जो थी ना जी दरमियान में इसके, देखे दरमियान में यहाँ पे ना इसको वो खला से नज़र आ रहा है, मैं खला को नहीं दिखाता, मैं खला के बगैर इसको इतना ऊपर कर लूँगा कि ये लगेगा जैसे ऊपर इसके बोर्ड लगा हुआ, ठीक है ना, मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा इसको सिलेक्ट किया और कन्वर्ट पॉली में किया, इसके बाद आपने इसको सिलेक्ट किया और इसको आपने थोड़ा सा चौड़ा कर देना है इस तरह से, इसका विंग्स इतना लंबा नहीं होता, थोड़ा सा यहाँ तक होता है बस, हेलीकॉप्टर का ना ये। और एक साइड को इनसाइड पे भी कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। और ये जो ब्लेड होता है ना बारीक होता है थोड़ा सा, ये वाली साइड बारीक होती है, यानी कुछ इस तरह से, और ये वाली साइड थोड़ी सी डाउन भी होती है कुछ इस तरह से, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गई है बस, मैंने कर दिया मोड, ठीक है। इसके बाद आप जाएं इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे इसको बारीक किया इसको, और डाल दिया और वायर फ्रेम में क्या, और इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल दिया इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद आप इसको थोड़ा सा डाउन कर दिए, ये मैंने कर दिया। अब आपकी मर्जी कि आपने इसको खला देना ही है, स्पेस देनी है बीच में या नहीं देनी, ठीक है। वरना आप यहाँ पे सिंपल एक सिलेंडर भी रख लोगे, सिलेंडर ऑटो ग्रिड कॉन करो, आपने यहाँ पे सिलेंडर रख दिया और इसको आपने ड्रॉ करके दोनों तरफ से निकाल दिया, यानी कि इसके साथ ये फिट है, ठीक है। हाँ ठीक हो गया, समझ आ गई यहाँ तक। अच्छा अब देखो मैं इसको दोबारा इस तरह तो नहीं बनाऊंगा ना, मैं क्या करूंगा कि मैं पहले अटैच करूंगा सबको, थोड़ी सी डिटेल डाल लेते हैं, ठीक है, ज़रा अच्छी लगेगी। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और इंसर्ट होता है मेरे पास, ये इंसर्ट किया, ये आ गया, ओके किया, इंसर्ट को ऊपर कर लो थोड़ा सा बेवल टाइप, और इसी तरह नीचे से भी इंसर्ट करो,
करो और इसको भी नीचे करो, ठीक है। इसको क्लिक कर, ओके, और इसको आप बेशक डिलीट कर दो। डिलीट, ठीक है, और बॉर्डर पकड़ो दोबारा से शिफ्ट के साथ, बना लिया, ठीक है। और इस तरह से इसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है, एक वाली साइड पे, ये इसको थोड़ा सा ही यहाँ तक। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने एच को सेलेक्ट करना है यहाँ से और बिल्कुल करीब ले आना है यहाँ, ठीक है, उसके मुताबिक आएगा, इस एच को वो फॉलो करेगा। ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो मुझे इसको डिलीट करने का फ़ायदा क्या हुआ, जब मैंने दिखाना नहीं है तो इसलिए मैंने डिलीट किया था कि ये इससे नजर आए इसके अंदर से बाहर आ रहा है, ठीक है ना, तो मैंने इसलिए डिलीट किया था। अच्छा, ये तो बन गया, इसके बाद हम आगे चलते हैं इसको और इसको क्लिक कर रहा था और इसको और इसको फेस मैंने सेलेक्ट किए हैं, इनको भी मैंने इंसर्ट करना है, इंसर्ट करो। अब ये सबको एक तरह का कर रहा है, देखो एक तरह का, मुझे अलग अलग चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इसके अंदर, ये ग्रुप में या पॉलीगॉन, ये ग्रुप कर रहा है, मुझे बाई पॉलीगॉन चाहिए, जितने पॉलीगॉन सेलेक्ट होंगे उसके मुताबिक ये कर लेगा, ठीक है। एच छोटे से बड़े से इसको मैं कर लेता हूँ, ओके। इसके बाद एक्सट्रूड, एक्सट्रूड मैं थोड़ा सा तो इसमें डिटेल डाल दिए ताकि घूमे तो खूबसूरत लगे ज़रा। इसके ऊपर आप बोर्ड लगा दें या जो भी आपने करना है। अच्छा, ये आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको अगर देखो मैं नब्स करता हूँ तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, बिल्कुल गोल सा, ठीक है। अब इसको गोलाई को ख़त्म करने के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है कि मैं साइडों पे एज डाल दूंगा तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल हमें इतना नहीं चाहिए, हमें इतना ही चाहिए, और मैं इसको ये वाला एरिया डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला एरिया। सेलेक्ट हो गया, डिलीट कर दो, ओके। इसके बाद आप इसको इसको अटैच करते हैं इसके साथ, इसके साथ सारा एक मॉडल हो गया मेरा, ठीक है। इसका गिज़्मो सेंटर में है, मुझे यहाँ पे चाहिए, नहीं भी चाहिए कोई बात नहीं, आप इसको रोटेट करो शिफ्ट के साथ, 180 पे रोटेट हो गया, और कॉपी, मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्रेस किया स्नैप, ये मैं इसके साथ फिट कर दिया इसको, ठीक है। अब वेल्ड करो ना करो आपकी मर्जी है, अटैच कर लो, आपका सी आ गया। और इसके साथ मैं यहाँ पे दो और चीज़ें डाल दूँगा, ये कि मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और शिफ्ट के साथ, ये देखिए मैं रोटेट कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा, ठीक है, कन्वर्ट ये आया। अब आपने इसको शिफ्ट के साथ आगे ले आओ, ये पूछ रहा है क्लोन एलिमेंट चाहिए, ये नहीं ये वाला एलिमेंट, ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्लोन ऑब्जेक्ट चाहिए, ओके किया ऑब्जेक्ट, और इसको बाहर आओ इससे, क्योंकि वो मेरे पास एडिट मोड में था, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसका गिज़्मो पीछे रह गया क्योंकि उसके साथ था, मैं इसके गिज़्मो को पिवट पॉइंट को
इफेक्ट पिवट पॉइंट सेंटर टू ऑब्जेक्ट, ओके। और यहाँ से मैंने रोटेट किया 90 एंगल पे, मैंने किया ये 90 एंगल, ओके। और इसको मैं ले गया यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब कुछ बेहतरू ये डिटेल, ठीक है, यहाँ पे करता हूँ और सेंटर किया। इसके साथ मैंने डिटेल डालनी है, डिटेल रहना डालनी बाकी रह गई है, इसके साथ में अटैच करता हूँ। अब मैं अगर इसको घुमाता हूँ, ठीक है, अटैच इसके साथ, ठीक है, कंट्रोल जी, इसको अटैच नहीं करना है, इसको अटैच करना है इसके साथ ताकि गिज़्मो यहीं पे रहे। अटैच किया इसके साथ, ओके, और मैंने इसको क्लिक किया, और मैं इसको रोटेट करता हूँ। ये एनिमेशन की है आपके पास, ऑटो की ऑन करो, ये की लगाओ इसके पहले, और यहाँ पे आओ, मेरा मतलब मेरा मैक्स क्रैश कर गया, ठीक है। इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा पता है आपको? नहीं सर, अभी तक हमारे साथ ऐसा नहीं ना हुआ। हाँ, इसीलिए मैं बताता हूँ आपको। अरे हमारा भी हो सकता है, अगर हम लोग इस तरह करते हो कभी भी हो सकता है ये। हाँ, हो सकता है, मैं करने लगा अभी। तो अगर सेफ ना हो फाइल, मतलब अभी से वर्किंग प्रोसीजर में हो तो। वही करने लगा हूँ। ये देखिए, आप फाइल में जाओ, ओपन में जाओ, ठीक है, और माय डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉक्यूमेंट ये, ठीक है, और 3ds Max ऑटो पैक लिखा हुआ है, ऑटो पैक, ऑटो पैक में लिखो। अभी टाइम क्या हुआ है, अभी टाइम मेरे पास है 7:38, सेवन, ये देखो 7:33, इस पे क्लिक करो, इसका बैकअप ये खुला है, यहाँ तक ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। 7:30 लास्ट टाइम यही है मेरे पास, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ये आ गया, यहाँ तक रिकवर होगी मेरी फाइल, बाकी सब जाया। अब आपने इसको हम पासवर्ड सेव नहीं कर सकते थोड़े, कर सकते हैं, मैंने नहीं किया था ना, इसी तो मैं कह रहा हूँ, मैंने नहीं किया था, मैंने इसको सेव किया, सेव एस, मैं यहाँ पे जाता हूँ ई के अंदर, और 3D क्लास के अंदर, हेलीकॉप्टर के अंदर, और ओके किया, चलो ये मैंने सेव कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने डिलीट किया था, ठीक है, चलो खैर पता तो चल ही गया आपको। मैं इसको शिफ्ट के साथ रोटेट करता हूँ 90 एंगल, ओके, और उसके बाद आपने इस पे आना है, इसके साथ ही आपने इसमें से एक एलिमेंट सेलेक्ट करो, ये डबल थे, इसको डिलीट कर दो, और इसके बाद आपने इसको पकड़ना है, ठीक है, अटैच करें इसके साथ, ओके, ये आ गया। इसके बाद आपने इसको इसको अटैच करना है इसके साथ, इसके साथ, इसके बाद आपने पॉलीगॉन सेलेक्ट करना है, ये वाला, डिलीट कर दो, ठीक है। अब आपने इसको सिलेक्ट किया, रोटेट किया 90 एंगल पे, यानी 180 पे आ गए, ओके किया, और उसके बाद आपने इसको राइट क्लिक करके अटैच किया इसके साथ, ठीक है। अब बजाय इसको अटैच करने के ना, आप इसको लिंक कर दो इसके साथ, लिंक की भी ऑप्शन आपके पास है, इसको लिंक कर दो इसके साथ, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जब घूमेगा तो ये भी घूमेगा, ठीक है ना। इसको मैं घुमाता हूँ ज़रा, मैंने यहाँ पे ऑटो की ऑन की, और इसको मैंने 100 पे किया, मैंने यहाँ पे 720 मैंने
और इसको ऑफ करना मत भूलिएगा, ये ऑफ करना है। अब आप चेक करें जरा, ये देखिए ये स्लो एंड स्लो जा रहा है, ठीक है। ये क्या मसला है, फिर मेरा क्रैश हो गया। मैक्स खोलो दोबारा। ओपन हो रहा है मैक्स, ठीक है, ये हो गया। अच्छा इस पे राइट क्लिक, मैं वीडियो को ओपन करो, फाइल ओपन, ठीक है, सीन आ रहा है, वापस आओ। माई 3ds Max इज यूजर शफी डॉक्यूमेंट 3ds Max। ऑटो बैकअप, ऑटो बैकअप में जाओ, आपके पास होगा 7th। इससे पहले हमने एक सेव किया था ई के अंदर, 3D क्लास के अंदर हेलीकॉप्टर को। ये ओपन करो इसको, ये मैंने ओपन किया हुआ था, सेव किया होता। तो अब हमने इसको, अब एनिमेशन मैं नहीं करूँगा क्योंकि एनिमेशन में क्रैश आ जाता है, सॉफ्टवेयर मेरा क्रैश कर देता है। तो अच्छा अब हम देखते हैं और क्या डिटेल डालने वाली है, ठीक है ना, उसके मुताबिक हम चलते हैं। अब ये विंग्स है, ठीक है, ये विंग्स है, पीछे वाला फैन है और ये नीचे की तरफ आया हुआ है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ मेरे पास ये, इसको आप करो क्लोज, ऐसे कर लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसके बाद मैं सेलेक्ट करता हूँ ये वाला और ये वाला, ठीक है, मुझे इससे पहले का चाहिए ये वाला और ये वाला। इसकी तरह की विंग्स मुझे चाहिए बारीक, ये अभी भी सही नहीं है ये वाला, मुझे भी फील हुआ है ये इतने बड़े चौड़े नहीं होंगे। तो मैं इसको डबल क्लिक करके बैक स्पेस, तो इसको मैंने क्लिक किया और इसको मैंने क्लिक किया कंट्रोल के साथ सेलेक्ट, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किए, ठीक है, चारों के। मुझे ये ठीक है, ये नहीं चाहिए, पहले ये दो मैंने बारी करने हैं, इसको आप क्लिक करो, अटैच करो और बारी कर लो, ठीक है। ये मैंने बारी किया, इस तरह से मुझे चाहिए थे, मैंने खाम खा जो है ना इसको चौड़ा रखा हुआ था। इसके बाद आप जाएं इसके ऊपर, ये और ये, इसको भी मैंने बारी किया ये वाला, ओके। इसके बाद आपने इसको और इसको सेलेक्ट किया और बारी कर, ठीक है। एच सेलेक्ट किया, एच की तरफ से मैं इसको ड्रॉ किया, ये आ गया, बारीक कर दिया ना मैंने। अब मैं इसको एक और वर्टेक्स लाऊंगा हूँ यहाँ पे दरमियान में कनेक्ट, और एच सिलेक्शन एच पे है, इसको यहाँ पे क्लिक किया और इसके बाद इसी को थोड़ा सा ऊपर करके ना शेफर कर देते हैं। शेफर का मतलब है कि दो, मैंने एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ठीक है, ये आप कर लें।
थोड़ी देर तक आती हूँ फिर। किया और इसको डबल क्लिक करके इसका एज खत्म करो और मैं इसको बारीक कर लेता इसको और इसको पकड़ के आप ले आओ। ये इसको सेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। सेट किया ठीक है। चलो ये मेरा मॉडल शीशे वाले विंग्स तकरीबन रेडी हो गया। अच्छा ये देखो ये मैंने इसको क्लिक किया शैम्फर अच्छा खैर ये पीछे यूट्यूब चली किसी की अच्छा चलो ओके। अच्छा ये देखो जरा मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया इसको भी और आप चाहो तो इसको भी आप क्लिक लेके आ सकते हैं। इसको करें क्लिक ठीक है शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग करो साइड पे करो और क्लोन करो क्लोन ठीक है क्लोन एलिमेंट नहीं क्लोन क्लोन करो। क्लोन करने के बाद आप ये आप इसका किस्म पता नहीं इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में होगा क्योंकि इसी का क्लोन था ना तो आपने इसका पकड़ना है ये इफेक्ट पिवट ऑनली और सेंटर पे किया इसको आपने रोटेट किया। मैं दोबारा दोबारा मैंने ना करूँगा मैं आसान समझा कि इसको आप 190 180 के करीब किया इसको और इसको आपने यहाँ पे लगा दिया ठीक है। और मैं देखता हूँ कि यहाँ कहाँ पे फिट होता है तो यहाँ पे फिट हो रहा है। आप इसको थोड़ा सा इसको मैं डाउन करता हूँ यहाँ से और मैं इसमें से इसको डिलीट कर दूंगा इस एजेस को ठीक है 1 2 डिलीट कर दूंगा ओके। और इसको भी यहाँ मेरे पास देखो अब क्या हुआ मेरे पास ये सेम उस पे आ गया वह जगह पे मैं इसको हटा दूंगा अब मेरे पास थोड़ी सी वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको स्टार्ट में करवाई थी टारगेट वेल्ड ठीक है। टारगेट वेल्ड से पहले आप ये करो कि इसको स्ट्रेट कर दो ये वाला पार्ट जो है इसका आप इसको सिलेक्ट करो और इसको सिलेक्ट करो ये और स्केल की मदद से इसको और इसको भी तकरीबन डाउन कर दो यहाँ पे ऐसे ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ ये लाइन के साथ लाइन आ गई ये इसके साथ चलो हो गया। अच्छा अब करना क्या है कि आप इससे बाहर आओ इसके ऊपर आओ और राइट क्लिक करो ये पहले अटैच करना पड़ेगा ठीक है ना। अटैच नहीं होगा तो वेल्ड नहीं होगा और मैंने इसको भी पकड़ के अटैच किया अटैच इसके साथ और इसके बाद आप राइट क्लिक करो वर्टेक्स के ऊपर क्लिक करो वर्टेक्स को सिलेक्ट करना चाहिए आपके पास वर्टेक्स की ऑप्शन आती है टारगेट वेल्ड इसको सिलेक्ट करो इसके साथ इसको
इसको करो इसके साथ, इसको करो इसके साथ, और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, बाकी के हो गया। ठीक है, ये इसके साथ आएगा और ये इसके साथ आएगा। चलो आई थिंक सारे हो गए। बस आ गया। अब आपने इसको सेट करना है तो कर लें, नहीं करना तो ऐसे भी ठीक लगेगा। देख लेते हैं इसको, मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा छोटा है, हाँ थोड़ा सा छोटा है, इसको मैं थोड़ा सा, बस ज़रा खूबसूरती आ गई इसकी। पीछे से इसकी दुम निकली हुई है, ये आपने इसकी दुम निकालनी है। मैंने आपको के दिया था, लेकिन आप इसको भी सेलेक्ट करो, डिलीट। और आसान तरीका यह है कि इसका बॉर्डर पकड़ो, ये बॉर्डर शिफ्ट के साथ आगे की तरफ, और इसको आप बारी कर लो, और इसको कर दो कैप। बॉर्डर के अंदर ऑप्शन होती है कैप की, ये वाली कैप, ठीक है, ये बॉर्डर के अंदर होती है। अब आपके पास ये देखिए, एक तो ये लाइन इसके साथ मिलनी चाहिए, ये लाइन इसके साथ मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो खैर रहने देता हूँ मैं, वरना आप कंफ्यूज होगे कि ये क्या कर दिया। मेरे पास कुछ इस तरह का बन गया, ये ऊपर से देखो बारी इस तरह आ रहा है, इस तरह आ रहा है। मैं इसको भी सेट करता हूँ, वही तरीका है इसका। सेलेक्ट करो कनेक्ट, और इसको मैं ले जाऊंगा ऊपर इसके करीब। ओके किया, और इसको मैंने किया कॉपी। ओके किया, चलो ठीक है। इसके बाद आपने इसको ये किया तो देखो सही हो गया। अब यहाँ पे गोलाई आ रही है, ठीक है। इसको भी रोकने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं एक एच पकड़ूंगा, साइड व्यू पे जाऊंगा, पहले इसको सेट करूंगा, पहले सीधा जिस तरह ये आ रहा है, इसको इस तरह से, सही लाइन को मैंने सीधा रखना है, ठीक है, इस लाइन के साथ। तो ये सारे सेलेक्ट किए, और इसको मैंने स्ट्रेट किया और रोटेट किया, ठीक हो गया। इसके बाद आपने इसको सेलेक्ट किया, कनेक्ट किया, राइट यहाँ के करीब लिया, ओके किया। इसके बाद आप इसको चेक करेगा गोल करके, फिट बन गया ये पास सारा। तकरीबन मेन बॉडी आपकी तकरीबन क्लियर है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कंफ्यूज करे। बाकी पंखे वंखे हैं, इसको मैं सेट करता हूँ। इतना काफी है, बाकी के नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्या ख्याल है? सर ये काफी है इतना? अगर वो शेप में थोड़ा सा मुझे आ रहा है अभी, तो मुझे वैसे एक्यूरेट लग रही है जैसा आना चाहिए। क्या क्या एक्यूरेटी लग रही? शेप सर इसकी, ये जो मतलब आपने रिंग्स और वायर्स डाल के की है ना, कि थोड़ा शेप पहले इसको हम लोगों ने बाद में थोड़ा सा किया था ना बैंड, लेकिन पहले तो हम एक रफली बनाते होते हैं ना, हाँ पहले रफ बनाते हैं, बिल्कुल। ये देखो मैं रफ बनाया कि मैंने दिखाया था तो आप, ये वाला। जी वो बाद में यूज नर्फ करते हैं ना, हाँ बिल्कुल लेकिन वही ऐसे। चीज़ तो पहले मेंटेन होगी, तो बाद में जब उसको यूज नर्फ करेंगे तभी तो उस सेक्शन में आएगी, अभी वो नहीं, टाइट का थोड़ा सा। आइडिया होता जाएगा, आप प्रैक्टिस करो, आइडिया होता जाएगा, इसी घबराने वाली बात नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं है हेलीकॉप्टर, ये कुछ भी नहीं है। आप जब करेक्टर करोगे ना तो फिर आपको पता चलेगा करेक्टर, ओके
ठीक है ना। ये क्या, हमें बेसिक पता है कि क्या चीज किस चीज की जरूरत है, तो वो हम हाँ कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, कर करते हैं ऐसा ऐसा करने के हो साथ जाएगा, में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ। अब माया में इसमें यही तो फर्क है, इसकी मोल्डिंग इतनी इजी है कि आप परेशान हो जाओगे कि इतनी इजी है, इतना ऐसा भी हो सकता है। माया में आप जब मैं माया करवाऊंगा ना, फिर आपको पता चलेगा कि वाकई मोल्डिंग बहुत मुश्किल है। यहाँ पे तो इतनी आसान है, ठक करके चीज बना दो बन जाती है। मतलब मैं ये देखो, मैं यहाँ पे थोड़े अच्छे हैं ना, ये ओ जल्दी से भी कर देते जब हम सोच रहे होते हैं। हाँ, जो जो आप बनाते जाओ, आप एज डालते जाओ और काम करते जाओ बस, ठीक है ना। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो आपके अलावा बाकियों में से? बनेगा तो क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, बनेगा तो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो बनाओ ना, एफर्ट करो, कोमल की तरह एफर्ट करो, कोमल एफर्ट करो। सर मेरा भी ऐसे बार बार क्लैश करते हो, तो मैंने इतनी बार बनाया था, तो अच्छा, आज अब जब मिरर कर रही थी तो वो फिर नहीं हो रहा था, तो मैं आपको मैसेज किया था, आपने रिप्लाई नहीं किया था, फिर अच्छा मैंने छोड़ अच्छा दिया। आप जाओ, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे जाओ, माई कंप्यूटर, माई पीसी, ये वाला, ठीक है। देख रही हो, आ रही है पिक्चर स्क्रीन। जी सर, अच्छा, यहाँ से जाओ बैक, बैक जाओ, यहाँ पे होगा आपका एडमिन, जो भी आपने विंडो की होगी, जिस नाम पे विंडो होगी, इसके अंदर जाओ। आपके पास होगा ऐप डाटा, ये वाला ऐप डाटा, ठीक है। ऐप डाटा को क्लिक करो। हाँ, पहले जाओ व्यू में, व्यू में फोल्डर में व्यू शो करना आपने, यहाँ पे डू नॉट शो होगा, इस तरह आपने शो करना है। इसको दोनों चेक को ऑफ कर देना है, इसको करो ओके। ओके करोगे तो ये अनहाइड मेरे पास ये है, ठीक है ना। तो आपने इसको क्लिक करना है, इसके अंदर जाओगी लोकल, लोकल के अंदर आप जाओ 3ds Max में, आप इसको लिस्ट करो, लिस्ट में ये ऑटो डेस्क, ऑटो डेस्क के अंदर 3ds Max, मैक्स के अंदर मेरे पास 18 है, 18 के अंदर दोबारा जाओ, ENU के अंदर जो भी फाइलें हैं सारी पकड़ के डिलीट कर देना, ठीक है, और इसको बंद कर देना। तो बंद कर दोगे तो दोबारा आपके पास मैक्स इस तरह होगा जैसे रीसेट रीइंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है ना, दोबारा नहीं आएगा इंशाल्लाह। ओके, क्लियर? सर चले, सर हाँ ये हाँ मुझे पूछना था कि ये जब आप मॉडल कर रहे होते हैं, इसको जूम भी कर लेते हैं और वो बैक भी स्क्रॉल कर से, लेते हैं सर, स्क्रॉल स्क्रॉल, ये देखिए स्क्रॉल से, वो हाँ सारा आउट ही हो जाता है जहाँ हाँ स्क्रॉल से। पे मतलब सिलेक्ट होते हैं। अगर आपने जी प्रेस किया तो आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगी वो चीज़ जो आपने सिलेक्ट की होगी। मसलन मेरे पास ये बॉक्स पड़ा है, ये ठीक है, और मुझे नहीं पता कहाँ पे पड़ा है, ये देखिए ज़रा, लेकिन सिलेक्ट है, ये सिलेक्ट है। मैंने जैसे जी प्रेस किया, स्क्रीन के सामने आ जाएगा, ठीक है, जी। और अगर आपने जी नहीं प्रेस किया, वैसे जी प्रेस करेंगे, वो सिलेक्ट नहीं किया वैसे प्रेस करेंगे जी, तो दोनों चीज़ें आपकी स्क्रीन के सेंटर में आ जाएंगी। ओके, इसके अलावा आप ये करें, आप ये सिलेक्ट किया, जी प्रेस किया, ये आ गया। अब वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे ना, यहाँ पे वर्टेक्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये देखो वर्टेक्स में सिलेक्ट किया हुआ है, जी प्रेस करता हूँ, वो वर्टेक्स मेरे करीब आ जाता है। मैं इस वर्टेक्स के करीब आता हूँ, जी प्रेस किया, ये देखो कितना करीब आ गया। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। वैसे मेरी आदत है कि मैं इसको जूम आउट करने का ना स्क्रोल से मैं नहीं करता, मैं कंट्रोल ऑल्ट और आपके पास होता है कंट्रोल ऑल्ट और सेंटर बटन होता है ना, व्हील का बटन जो होता है, MMB, मिडल माउस बटन, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट MMB बटन, ये माउस को अप एंड डाउन करोगे तो आपके पास इस तरह आगा। खैर स्क्रोल से भी कर सकती हैं आप, इशू नहीं है। ओके चले जी, कोई क्वेश्चन और हो? चलो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। ओके ओके सर, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर।